अल्हमदुल्ल वक़ा वसलामूल इबादी मुस्तफ़ाबाद इस तजिया वर्कशाप में हम आप हजात को ख़ुश आमदीद कहते हैं मुझसे पहले जो कुछ फ्यूचर के उन्होंने आपके सामने इस तजिया वर्कशॉप के मकसद बयान किए जैसे कि मौलाना फाहद ने इस बात पर कि मेरा जो आज का टॉपिक है दुनिया की मोहब्बत और यहाँ आने का मकसद यही होता है कि हमारी बातनी असलाह हो उसमें जो हमारी रज़ाइल हैं रूह के अंदर जिनकी वजह से हमें दुनिया और आखरत दोनों जहानों में नुकसान हो सकता है उसकी असलाह की जाए और उसके अंदर सबसे बड़ा जिस चीज़ का नुकसान हो सकता है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाद फमाया कि दुनिया की मोहब्बत तमाम ख़ताओं की जड़ है एक तवील हदीस जो तिरमी शरीफ में और मिशकात शरीफ बाबुल अमर बिल बिल्माफ में मनकूल है जिसका तर्जमा है अबू अब उसदरी रज़ी से आजरत अलैहि वसल्लम ने असर की नमाज पढ़ाई और नमाज के बाद मेम्बर पर तशरीफ़ ले गई और खुतबा अरसात फरमाया कि अम तक जितने अहम वाक़ात रोनम होने थे सब बयान की कुछ कुछ भी नहीं छोड़ा जिनको याद रहा उनको याद रहा जिन्होंने बुला दिया उन्होंने बुला दिया और जो बातें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई, उनमें से एक ये थी कि दुनिया मीठी है लजीज़ है खुशनुमा है और सरसब्ज है और अल्लाह ताला तुमको इस दुनिया में दूसरों के जानशीन बना रहे हैं बस देखना चाहते हैं कि तुम कैसे अमल करते हो सुनो बस दुनिया से बचो और औरतों से बचो तवील हदीस है उसका पहला हिस्सा जो मैंने आपदात के सामने बयान किया इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शायद शादिया दुनिया दुनिया बड़ी मीठी और बड़ी सरसब्ज है यानी दुनिया की लजत हर इंसान को भाती है क्योंकि दुनिया जाहिर असबाब का नाम है जो चीज़ जाहिर नजर आने वाली है हर इंसान उसको देखता है और उसके बारे में ख़्वाहिश करता है तो आपने इसी तरफ इशारा फरमाया कि दुनिया बड़ी मीठी और सरसब्ज है और तुम्हें अल्लाह ताला ने इसमें खलीफा बनाया है यानी तुम्हारे पहले का जानशीन जो पहले कर चुके हैं वो कर गए अब वो देखेगा कि तुमने क्या करना तुम कैसे इस दुनिया से फ़ायदा उठाते हो इस दुनिया को कैसे इस्तेमाल करते हो एक नस्ल चली गई दूसरी उसकी न, की जगह नस्ल आ गई बस अल्लाह ये देखना चाहता है कि तुम यहाँ रह कर क्या अमल करते हु? वाकई दुनिया बड़ी मीठी और सरसब्ज है हमारे दादा पीर हजरत शहीद इस्लाम मौलाना यूसफ लुदियान शहीद रहा ती तश्र फरमाई वाकई दुनिया बड़ी मीठी और सरसब्ज है हर शख्स को इसकी रगबत है यहाँ का माल और दौलत यहाँ की लजत लतें और राहतें यहाँ का साजो सामान हर शख्स को मरगूब है और उसे हासिल करना चाहते हैं एक हदीस में आप ने इस तरह यूँ इसको इस तरह इर्शात फरमाया कि बरसात के मौसम में अब आप इस दुनिया की हकीकत बता रहे हैं कि किस तरह लोग इस दुनिया से नुकसान किन को होता और फ़ायदा कौन उठा सकते फिर एक हदीस में आपली व्ल् ने इर्शाद फरमाया कि बरसात के मौसम में ज़मीन खूब सब्ज़ा उगा ज़मीन से खूब सब्ज़ा उगता है और ज़मीन खूब सरसब्ज़ हो जाती है नर्म और सब्ज सरसब्ज चारा जानवरों और मोशियों को बहुत बहाता है अब जानवर ने यह सब्जा देखा तो उसको खाना शुरू कर दिया चूंकि बहुत मीठा सरसब्ज और लजीज था लिहाजा मुसलसल खाता रहा यहाँ तक कि बद हज़मी होगी और पेट फूल गया और तुख्मे से तुखमा से जानवर मर गया और एक और जानवर वो था यह उसके बारे में आपसल फमा जिसने दुनिया से हरीस है हिर किया इस दुनिया से हरीस होकर इस दुनिया से लेना चाह एक फरमाया दूसरा जानवर जिसने जरूरत के बकदर खाया, और खाने के बाद धूप में चला गया जुगाली की और उसको हजम कर लिया हजम करने के बाद फिर इसी तरह खाना शुरू कर दिया यानी बकदर जरूरत खाया फिर इर्शाद फरमाया आप ने कि दुनिया मीठी और सरसब्ज है बस जो शख्स हिर्स के साथ दुनिया कमाता चला जाएगा और सवेटता ही चले जाएगा उसको जोल बकर की बीमारी लाख जोल बकर कहते हैं खाता जाता इंसान पेट नहीं भरता खाता जा रहा और उसका पेट नहीं भर रहा कि खाता रहे खाता रहे और पेट ना भरे ये शख्स उस जानवर की तरह हलाक हो जाएगा कि आप सुलसलम मिसाल दे रहे कि यह शख्स उस जानवर की तरह हलाक हो जाएगा और इसका पेट फट जाएगा और तुखा हो जाएगा और जो शख़्स इसको हक़ के साथ लेगा हक़ के साथ रखेगा यानि शरीयत के कवायद के मुताबिक दुनिया हासिल करेगा और जहां अल्लाह ने उसको ख़र्च करने का हुक्म फरमाया वहां ख़र्च करेगा तो अलबत् वो महफूज रहेगा शेख अतार रहमल फरमाते हैं कि दुनिया की मिसाल नक्शदार और रंगदार सांप की तरह यानी दुनिया की मिसाल मनकश सांप की सी है ऊपर से इसकी जल्द बहुत खूबसूरत नजर आती नक्श व नजर आते हैं अकल आदमी इसको देख कर डर जाता है क्योंकि उसको मालूम है कि यह सांप बहुत जहरीला है लेकिन एक नादान बच्चा जिसको इसकी हकीकत का पता नहीं वो इसके नक्श निगार देख कर इसको पकड़ने की कोशिश करता है इसलिए फरमाया ये दुनिया जारर में मन्क्श है लेकिन अंदर जहर भरा हुआ है ज़ाहिर में नादान इसके नक्श नगार पर रीझ रहे हैं लेकिन जो दाना इसकी हकीकत से बाबर हैं वो इसके जहर से खूफ जदा है कि मुनक़ शाम है डस जाएगा माम गज़ाली रहा ने फरमाया कि इस दुनिया को कौन आदमी इस्तेमाल करना जानता है इस दुनिया के इस दुनिया वाले इस रंगीन सामप को कौन इस्तेमाल कर सकता है कौन जो है वो इससे बच सकते हैं इमाम गजाली रहा फरमाते दुनिया और दुनिया वालों की मिसाल सांप और सपेरे की है जो कि इसके दांत तोड़ता है तोड़ता है तोड़ता हो उसका द्रिया जानता हो अबल तो उस सांप के दांत तोड़ देता है और उसको इस लायक ही नहीं छोड़ता कि इसे काट खाए इसके अलावा इसको मालूम है अगर सांप काट ले तो उसका तोड़ ये है इसका इलाज ये है चुनाचा वो सांप को कंधे पर उठाए फिरता है जो बेचारा सांप का तरिया नहीं जानता वो अगर सांप को हाथ लगाएगा तो उसको काट खाएगा ये मिसाल है दुनिया की और दुनिया वालों की इमाम फरमाते यही मिसाल है दुनिया और दुनिया वालों की जो लोग इसके दांत तोड़ देते हैं इसका इलाज जानते हैं उनको ये सांप जरा नहीं पहुंचाता लेकिन जिन लोगों ने इसको इसका मंत्र नहीं सीखा इसके दांत नहीं तोड़े उसके काटे का इलाज नहीं सीखा उनको काट खाएगा चुनाच हमारी यही हालत है ना माल कमाने के अहकाम सीखे ना इसको रखने के आदाब का इन हासिल किया ये भी मालूम नहीं कि माल को कहाँ और किस तरह खर्च किया जाए खर्च ना किया जाए कहाँ खर्च और कहाँ खर्च ना किया जाए इसी का नतीजा है कि इस दुनिया में दुनिया ने हमें काट खाया और हमारी ज़िंदगी के तमाम अज़ा में इसका ज़हर फैल चुका है आखिर में फरमाया के रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ने बरहाल आज असलम अजज फरमाते हैं कि आज असलम ने साफ सोया दुनिया मीठी अल्लाह जल्ला शानो पहले लोगों को ले गए और तुम्हें उनकी जगह ले आए यहाँ तुम्हें आज उड़ाने के लिए नहीं लाया गया कि तुम मैं आज ये ये बच्चे ज़रा यहाँ खा पी ले और छुड़ा ले नहीं इसलिए लाए कि अल्लाह ताला ये देखना चाहता है यहाँ से तुमने अगले सफ़र के लिए क्या अमाल का तोशा लिया है और तुमने यहाँ रह कर अपने लिए पहले लोगों की हालत से भी कुछ इबरत हासिल की है कि नहीं लेकिन हम में से अक्सर ऐसे हैं जिन्होंने अपने पहले लोगों की हालत से कोई इबरत हासिल नहीं की अल्लाह जल्ला शानो हमें माफ़ फरमाए और हमारी इस गसल, गफलत को माफ़ फरमाए फरमाया दुनिया से आखरत का तोशा हासिल करो हज़रत ने आगे फरमाया कि ये दुनिया मीठी है सरसब्ज अल्लाह फिर तुम्हें यहाँ इसलिए ला रहे हैं तुम्हें पहलों का जहा नशी बनाए तुम कुछ इबरत हासिल करो देखो कि यहाँ से क्या तोशा लेकर जा रहे हैं आज सल्लम ने हज़रत अब्बुर गफ़ारी रजी से फरमाया अब ज़र तोशा ले लेना क्योंकि सफ़र बहुत लम्बा है ये आखरत के सफ़र के बारे में तोशा ले लेना सफ़र बहुत लम्बा है और जरा बोझ हल्का रखना क्योंकि घाटी बड़ी दुश्वार गुजार है घाटी बड़ी दुश्वार गुजार है जिस पर चढ़ना है कमर पर सारा बोझ लाद कर चढ़ना पड़ेगा और कुरान करी में और वो लादे हुए होंगे बोझ अपनी कमरों पर अब जो आपके सामने इस हदीस का मफहूम है कि दुनिया की मोहब्बत से मना किया गया दुनिया से मुहब्बत मना नहीं किया गया दुनिया रखने से मना नहीं किया गया दुनिया की मोहब्बत से मना किया गया शेख अब्दुल जिलानी रहमतुल्लाह अलैह पिराने पीर उनकी एक मिसाल कि हजरत एक दफा तशरीफ फरमाए और उनका कारोबार था तो पता चला उनका जहाज कहीं दूसरी तरफ तजारत का गया और पता चला कि वो जहाज पानी में गर्क हो गया तो हजरत को इतला मिली तो हजरत अपने सीने की तरफ नीगा की अल्हम्दुलिल्लाह कुछ देर के बाद कुछ देर के बाद इतला मिली कि हजरत वो इतला गलत थी वो इतना गलत थी जहाज हमारा खैरफियत से हमारा मोल माल जो है अपनी जगह पर पहुंच गया तो हजरत ने कहा फिर सीने की तरफ देखा सर झुकायाद तो पूछा हजरत ये क्या मामला है ख़ुशी की ख़बर पे भी बुरी ख़बर पे भी अल्हम्दुलिल्लाह और ख़ुशी की ख़बर पर भी अल्हम्दुलिल्लाह। फरमाया कि जब पहली ख़बर आई नुकसान की तो उस वक्त भी मैंने अपने दिल की तरफ तोजो की कि इस दुनिया के नुकसान का असर मेरे दिल पे है कि मेरी जो अल्लाह के साथ मोहब्बत का ताल्लुक है उस पर फ़र्क आ रहा है तो मैंने देखा कि मेरा दिल उसी तरह ही अल्लाह की तरफ लगा हुआ है जैसे इस नुकसान से पहले था तो मैंने कहा अलहमदिल्ल जब फायदे की खबर पहुंची उस नुकसान का जो है वो बचा के नुकसान नहीं हुआ खुशी की खबर पहुंची तो फिर मैंने अपनी दिल की तरफ तोज्जो की और देखा कि अब मेरे दिल की कैफियत क्या है तो कहा अल्हम्दुलिल्लाह मैंने देखा कि मेरे दिल की कैफियत हुई है कि उसी तरह उसमें जरा बराबर फर्केंगे ऐसे मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह से फरमाते थे दस्तकार में दिल यार में यानी हाथ काम में लगे हों हाथ दुनिया के कारोबार में लगे हो लेकिन दिल जो है उस खाले के कायनात की तरफ लगाओ फरमाया कि आखिरी बात कि दुनिया की मोहब्बत से मना किया गया दुनिया से मना नहीं किया गया दुनिया होगी तो दुनिया की मोहब्बत होगी जब दुनिया ही नहीं होगी तो मोहब्बत कहां होगी फरमाते हैं दुनिया की मोहब्बत से मना इसलिए किया गया क्योंकि दुनिया फानी है और फानी चीज से जो मोहब्बत करेगा जब वो चीज फना हो जाएगी इसकी मोहब्बत भी फना हो जाएगी इसी का दुनिया से नहीं मोहब्बत करो दुनिया वाले से मोहब्बत करो इस दुनिया के बनाने वाले से वो बाकी है जो उसके साथ मोहब्बत करेगा जैसे वो बाकी है उसकी मोहब्बत भी बाकी इसलिए दुनिया से मना नहीं किया गया दुनिया की मोहब्बत से मना एक मिसाल से बयान करते हैं कि दुनिया की मोहब्बत की मिसाल पानी पानी की तरह कि जब तक पानी कश्ती के अंदर नहीं आता कश्ती के अंदर नहीं आता उस कश्ती को डुबोता दुबो, नहीं है पानी कश्ती के नीचे रहे तो उसको नाफे ही है नफ़त जैसे ही वो पानी उस कश्ती के अंदर आ गया तो उस कश्ती को तबाह कर देगा ऐसी फरमाया तुम्हारे दिल में दुनिया हो दिल में दुनिया हो तो कोई परवाह नहीं है इसकी इसी की मिसाल ऐसे जैसे पानी कश्ती के नीचे है इसे फरमाए जब ये दिल के अंदर आ गई इसकी मोहब्बत तो ऐसी जैसे कश्ती को तब डुबो दिया ऐसे तुम्हारी दुनिया को भी डुबो देगा और आखरत को भी डुबो तो इसीलिए ये मकसद है इन बुजुर्गों के पास आने का कि इस चीज़ का हमारा तर्ज किया अल्लाह तो हमें इसकी हकीकत समझने की तौफीक अता फरमाए व अनिल उदावाना रब्बिल आलमीन